कैसे बना गोरखा रेजिमेंट नहीं जानते हो तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 1814 से 1816 के बीच लड़ाई चल रहा था अंग्रेज और गुरखाओं के बीच। इसमें गुरखा तो हार जाते हैं, लेकिन इसके लड़ाई करने के तरीका को देखकर अंग्रेज प्रभावित हो जाते हैं, जिससे अंग्रेजी सेना ने 1916 में ट्रीटी ऑफ सरगोली साइन किया, जिसके जरिए गुरखाओं को अपनी सेना में शामिल कर सके। शायद आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि अंग्रेजी सेना ने सबसे पहले गुरखाओं को अपनी सेना में शामिल किया था। इनसे भी पहले महाराजा रणजीत सिंह ने गुरखा रेजिमेंट को 1810 में इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया था। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर में भी गुरखाओं के सामने वाली सेना के अंदर में गुरखा रेजिमेंट का डर बैठ गया था। उसके 1947 में एक ट्रीटी साइन हुआ भारत, अंग्रेज और नेपाल के बीच में, जिसे ट्रीटी ऑफ टाइपाइट राइट कहा गया। इसके जरिए अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना में भी गुरखाओं को शामिल किया जा सके, और आज केवल भारत, नेपाल और अंग्रेज इन तीन देश के पास ही गुरखा रेजिमेंट है।